हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और राज्य सरकार ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के बवाल पर एक स्पष्टीकरण दिया है कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई। दरअसल मामला आपको हमने सुबह ही बताया था कि एक सेंटर था हीरापुर में, जहाँ पे जो परीक्षा में 12:30 बजे या 12:40 तक ताला लगा हुआ था, इस प्रकार की खबरें जो है वो प्रकाशित की गई थी, जिसकी वजह से राज्य शासन ने इसका एक प्रकार का देखा कि भाई ये चीजें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और उसका स्पष्टीकरण दिया। देखिए स्पष्टीकरण में क्या लिखा है। 15 सितंबर 2024 को आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में प्रकाशित भ्रामक समाचारों का खंडन बताया गया है। इसमें बताया गया है कि समाचार पत्रों में भ्रामक खबरें यथा परीक्षा केंद्र ताला लगा होना, दूसरे केंद्र में परीक्षा आयोजित किया जाना तथा विलंब से प्रश्न पुस्तिका वितरण किया जाना समाचार प्रकाशित हुआ है। ये सभी समाचार निराधार एवं तथ्यहीन है एवं इस संबंध खंडन संलग्न है। इसमें बताया गया है कि भैया रायपुर जिला के 165 परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर के नाम से कोई परीक्षा केंद्र नहीं था। रायपुर जिला स्थित हीरापुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ परीक्षार्थियों यथा माधुरी शाही उनके द्वारा शिकायत किया गया कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हीरापुर जिला रायपुर के एक स्कूल में ताला लगा था। इस शिकायत के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पे हीरापुर में रायपुर में परीक्षा केंद्र नहीं था और जो विद्यार्थी रायपुर जिला के शासकीय हायर सेकेंडरी हीरापुर में पहुंचे थे उनका परीक्षा केंद्र कोंडागांव जिला था। बताया गया कि 15 सितंबर 2024 को आयोजित छात्रावास अधीक्षक परीक्षा सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसका केंद्र क्रमांक 25124 है। बैरन बाजार रायपुर में एक ही परिसर के लिए एक ही भवन है। सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर है। ये दोनों स्कूल अलग अलग पाली में एक ही संस्था द्वारा समान भवन में संचालित किया जा रहा है। इन दोनों स्कूलों में प्रचार्य अलग अलग है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के लिए सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। चूंकि एक परीक्षा केंद्र में एक ही केंद्र अध्यक्ष होता है, इसलिए इन दोनों स्कूलों में से सेंट पॉल चर्च इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बैरन बाजार रायपुर के प्राचार्य को केंद्राध्यक्ष बनाया गया था। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 निर्धारित संस्था में ही हुआ। उसके बाद बताया कि 15 सितंबर को आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र माधवराव सप्रे नगर निगम उच्चतर माध्यमिक शाला बूढ़ापारा रायपुर में कुल 250 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और इस परीक्षा केंद्र में केंद्राध्यक्ष के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को व्यापम के निर्देशानुसार 12:10 बजे प्रश्न पुस्तिका का वितरण किया गया था। इस प्रकार से पहले से अब पूरा खंडन कर दिया गया कि भैया ऐसा कोई भी दिक्कत परीक्षा में नहीं हुआ था। तो आप लोग जो भी ये जो था समाचार, ये एक प्रकार का तथ्यहीन था और परीक्षा जो है अच्छे से निपटी है और सही समय पे व्यापम के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो निपटी है। अब इसका खंडन जो है अभी शासन ने हाल ही में किया है। तो जो गड़बड़ी का आरोप था वो निराधार था, शासन ने इसको स्पष्ट कर दिया है। बस यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।